हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज, हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रेडमी नोट 10 को एक नया अपडेट जो मिला था गाइज 12.5.15.0 का। उसके अंदर गाइज एक बहुत बड़ा इशू जो दोस्तों हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं इसके अंदर गाइज आ चुका है। जी हाँ गाइज, एक नया इशू दे दिए अपडेट के अंदर। गाइज फीचर्स की तो बात छोड़ो, इशू जरूर दे रहे हैं। तो गाइज ये यहाँ पर जो रेडमी वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक नया इशू नोटिस हो रहा था। गाइज मैंने इसको पहले नोटिस नहीं किया था, लेकिन गाइज मैंने जब इसका फुल रिव्यू का आपको एक वीडियो दिया तो गाइज उस वीडियो के नीचे बहुत सारे ये कमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज इसके बाद मैंने मेरे फोन को चेक किया तो पता चला कि ये थोड़ा बहुत इशू तो हमारे फोन के अंदर भी आया है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इशू क्या है। तो गाइज वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज ये फिक्स कैसे होगा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले गाइज मैं आपको एक इशू है वो क्या है। तो गाइज यहाँ पर जो इशू ये है कि इस अपडेट के बाद सभी मोबाइलों के अंदर रेडमी नोट 10 के अंदर जो गाइज यहाँ पर ये जो दोस्तों साउंड होता है गाइज फ़ोन का साउंड यहाँ पर आवाज़ वो गाइज कम कर दी गई है, लो कर दी गई है। आप यहाँ पर गाइज मेरे यहाँ पर कुछ चैनल के कमेंट चेक कर लीजिए, मैं यहाँ पर आपको कमेंट शो करवा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है यहाँ पर क्या अपडेट के बाद मेरा साउंड कम हो गया है। तो गाइज इसके नीचे एक और कमेंट आया कि मेरा मोबाइल का भी साउंड कम हो गया है। तो गाइज मैंने यहाँ पर सोचा कि मेरे फ़ोन के अंदर तो ये इशू ऐसा इशू नहीं है, लेकिन गाइज मैंने फिर चेक किया मेरे फ़ोन के अंदर भी। तो गाइज मैं आपको चेक करवाया तो मेरे फ़ोन के अंदर गाइज यहाँ पर टाइपिंग के अंदर आपको मैं चेक करवाता हूँ साउंड कैसा है। तो गाइज अभी यहाँ पर आप टाइपिंग को सुन लीजिए, मैं यहाँ पर आपको चेक करवाता हूँ। यानी गाइज यहाँ पर जो टाइपिंग का साउंड है वो पहले के मुकाबले मुझे थोड़ा सा कम नोटिस हुआ है। जी हाँ गाइज, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है कि साउंड बहुत कम हो चुका है। इतना साउंड नहीं था गाइज पहले मेरे फ़ोन के अंदर, टाइपिंग करता था तो बहुत तेज़ साउंड होता था। और मैंने इसका गाइज यहाँ पर आपको साउंड चेक करवाया तो फुल कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल साउंड है, लेकिन फिर भी गाइज यहाँ पर ये जो इतना लो साउंड मुझे दे रहा है। तो गाइज ये प्रॉब्लम सब फ़ोन के अंदर आ चुकी है। जी हाँ गाइज, इसका साउंड है वो लो कर दिया गया है। आप गाइज आपके फ़ोन के अंदर भी साउंड लो है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइज इसको फिक्स कैसे करेंगे, तो गाइज इसके बारे में इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि ये गाइज अपडेट का इशू है। और गाइज जो अपडेट के इशू है वो अपडेट के थ्रू ही सही होते हैं। जी गाइज, जैसे रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर पहले अपडेट के अंदर गाइज बिल्कुल टाइपिंग स्पीड सॉरी गाइज टाइपिंग साउंड एकदम लो कर दिया गया था, लेकिन गाइज जो नया मई 13 मिला उसके अंदर एकदम से बूस्ट कर दिया गया था। तो गाइज इस प्रकार ये जो अपडेट का इशू है, ये गाइज इशू है वो अपडेट के बाद ही फिक्स होगा। यदि आपने साउंड के आपके फ़ोन के अंदर साउंड कम हो रहा है और आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो गाइज आप इसको अभी तक अपडेट नहीं करना, यदि आपने अपडेट नहीं किया और आपको अपडेट नहीं मिला है तो। तो गाइज इसके बारे में हम लोग बात करने वाले, तो गाइज वीडियो को आप लास्ट तक देखें, इसके लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो हमारे यहाँ पर चार्जिंग के बारे में मिलने वाली है। गाइज ये फोन आए के अंदर अपडेट आने के बाद चार्जिंग क्या कुछ हो रहा है दोस्तों, चार्जिंग टाइम में क्या कुछ दोस्तों यहाँ पर चेंजेस हुए हैं इसके बारे में दोस्तों हम लोग इसको फुल चार्ज करने वाले हैं। तो गाइज आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।